बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट लास्ट पैराबल ऑफ चैप्टर नंबर 8। अ किंग फेल सीरियसली इल। एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। सीरियसली इल। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। रिकवरी का मतलब होता है हीलिंग और वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपीयर्ड, फिनिश्ड। क्या होगा? एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, एंडेड हो जाना। सीरियसली इल किसके मीने में इजाफा कर रहा है? इल के। तो जब भी हमने एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करना हो तो एडवर्ब को कहां पे यूज करना? हम उस एडजेक्टिव से पहले लगाना। उसके बाद वैनिश जो है, जो वर्ब होने का मीनिंग देते हैं, ऐसे तमाम वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? उसको मजीद पैसिवाइज नहीं बनाएंगे। ये ऑलरेडी टू बी वर्ब होते हैं और इन वर्ब के साथ हम पैसिवाइज नहीं बनाते। मसलन क्या होगा? ही वॉज डिसअपीयर्ड होगा या ही डिसअपीयर्ड होगा? क्यों? कि यहाँ पे हम वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही किसका मीनिंग दे रहा? होने का मीनिंग दे रहा। तो जब होने का मीनिंग दे तो उसके बाद हम मजीद उसको पैसिव नहीं बना सकते। तो जैसे तमाम वर्ब जो होने का मीनिंग देते हैं उनको हम पैसिवाइज नहीं बना सकते। उनमें से कौन कौन से वर्ब्स हैं जो कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं? वो है फॉल, गिरना, हैपन, वाकया होना, डिसअपीयर क्या होगा या वैनिश, अभी हमने पढ़ रहे हैं वैनिश, गायब हो जाना। अब ये तमाम वर्ब जो है, ये वे वजन होना, उस तरह से क्या होगा, ये इनको हम पैसिवाइज नहीं बना सकते। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जिनको हम पैसिवाइज, जो ऑलरेडी पैसिव मीनिंग दे रहे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? पैसिवाइज नहीं बनाते। तो ये नॉन पैसिव वर्ब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको उसकी मिसाल दी। जी तो क्या होगा जी? द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। बीमारी का जिस कदर ज्यादा इलाज किया गया, द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड, बीमारी का जिस कदर ज्यादा इलाज किया गया, क्योर का मतलब ठीक है, बीमारी का जिस कदर ज्यादा इलाज किया गया उस कदर ज्यादा तकलीफ दे होती गई। द मोर इट बिकेम पेनफुल, उतनी ही ज्यादा तकलीफ दे होती गई। अब यहाँ पे मोर और द मोर, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? उनके साथ द लगाते हैं। और इसका उर्दू में मतलब बनता है जू जू और तू तू। फर्ज करो, जू जू आप तेज भागते हो, जल्दी मंजिल पे पहुंचते हो। एनीवन अमंग अस यू हु विल ट्रांसलेट इट? जू जू आप तेज भागते हो, जल्दी मंजिल पे पहुंचते हो। द मोर यू वर्क, द मोर यू अचीव योर गोल। जी, द फास्टर, अब देखिए फास्टर कंपैरेटिव डिग्री लगानी, द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच, अर्ली अर्लियर अर्लीएस्ट, द अर्लियर यू रीच, द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच। जो जो आप ऊपर जाते हो मौसम ठंडा हो जाता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। जो जो ज्यादा खर्च करते हो अल्लाह ज्यादा देता है। The more you spend, the more Allah gives. The more Allah blesses with.
क्या होगा, अल्लाह ज्यादा अनायत फरमाता है। तो हम क्या यूज करेंगे इसके साथ, क्या होगा उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, दोनों में हम क्या यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में। तो इस तरह से नेक्स्ट वाला, एट लास्ट द फिजिशियन एग्रीड, बिलाखर तबीब या इत्तबा एग्रीड, इस बात पे मुत्तफिक हो गए, बिलाखर तमाम तबीब इस बात पे मुत्तफिक हो गए, तमाम तबीब इस बात पे मुत्तफिक हो गए, किस बात पे मुत्तफिक हो गए, कि दैट दिस डिजीज कुडंट बी क्योर्ड, इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। बिलाखर तमाम तबीब इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि इस बीमारी का इलाज तब तक नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय द मींस ऑफ बाइल, मास सवाए पित्ते की रतूबत के, बाइल कहते हैं वो जूस आता है जो बाइल से निकलता है, मास सवाए पित्ते की रतूबत के, एंड्योर्ड विद सर्टन क्वालिटीज, एंड्योर्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड, सर्टन क्वालिटीज मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के, बाइल किसका है, अ पर्सन का, पर्सन कौन सा है, एंड्योर्ड विद सर्टन क्वालिटीज, तो क्या होगा, बिलाखर तबीब या हुकमा इस बात पे मुत्तफिक हो गए, एग्रीड तक एक क्लॉज आपकी इसको अलहदा से तर्जमा कर देंगे, बिलाखर तबीब या इतबा या क्या होगा, हकीम हुकमा इस बात पे मुत्तफिक हो गए, क्या कि इस बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं किया जा सकता, इस बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं किया जा सकता, या इस बीमारी का इलाज अब किसके सिवा नहीं किया जा सकता, अब जरा देखिएगा, अब क्या, हाँ से शुरू करेंगे, ला से शुरू करेंगे, मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत के सिवा नहीं किया जा सकता, बिलाखर हुकमा या इतबा, तबीब की जमा इतबा है, बिलाखर हुकमा या इतबा इस बात पे मुत्तफिक हुए कि मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत के सिवा इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। अब जरा गौर से देखें आप, तो आपको नजर आ जाएगा क्या होगा, यहां तक एग्रीड तक एक क्लॉज है, लंबा सेंटेंस है, मैं डिटेल से बता रहा हूं, इस बीमारी का इलाज बाय मींस ऑफ बाइल, अब बाइल किसका है, पर्सन का, पर्सन कौन सा, तो वापस आना है ऐसे, वापस आना है, मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत के सिवा, जरिए मींस मुराद सोर्स या जरिया, नहीं किया जा सकता, कुडंट बी क्योर, इस बीमारी का इलाज मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत के सिवा नहीं किया जा सकता। अब मीन जो है, ये दोनों सूरतों में मीन ही रहता है, चाहे सिंगल हो या चाहे प्लूरल हो, वन मीन्स होगा तब भी मीन ही लिखेंगे, तो फिर मीन नहीं लिख देना, और ज्यादा मीन्स होंगे तब भी मीन्स ही इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, मीन से मुराद क्या होगा, जरिया होगा। जी बच्चों, ऑर्डर्स वर इशूड, अहकामात जारी कर दिए, अहकामात जारी कर दिए गए टू सर्च एन इंडिविजुअल, अब फर्द की तलाश के लिए, ऑफ दिस काइंड, इस तरह के फर्द, ऑफ दिस काइंड किसके मीने में इजाफा कर रहा है, इंडिविजुअल के, इस तरह के फर्द की या इस किस्म के फर्द, तो क्या होगा, आप पैसे वाइज सेंटेंस है, ऑर्डर वर इशूड, ऑर्डर क्या होगा, अहकामात जारी कर दिए गए, अब जारी करने वाला मौजूद नहीं है बल्कि जारी किए गए, तो सेंटेंस क्या होगा, पैसे वाइज वर इशूड होगा, तो क्या बनेगा, इस किस्म के फर्द की तलाश के लिए, इस किस्म के फर्द की तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए गए, अब ये रीजन है अहकामात जारी क्यों कर दिए गए, टू सर्च एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, तो इस किस्म के फर्द को तलाश करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए, इस किस्म के फर्द को तलाश करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। अब जब भी हमारा सेंटेंस पैसिवाइज में होता है वर इशूड, तो पैसे वाइज के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं,
असाना फार्मर क्या होगा? असाना फार्मर किसान का बेटा मिला, क्या होगा? किसान का बेटा मिला। टू पोजेस रखने वाला या हामिल, पोजेस मीन हैविंग, क्वालिटीज खुसूसियात, मेंशन्ड बाय द डॉक्टर मोलजीन की बताई हुई। अब मेंशन्ड बाय द डॉक्टर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? क्वालिटीज के। तो इसका तर्जमा हम क्वालिटी से क्या करेंगे? पहले करेंगे। तो क्या होगा, क्या होगा? डॉक्टरों की या मोलजीन की बताई हुई खसूसियात या तजवीज करदा खसूसियात का हामिल शख्स एक किसान का बेटा मिला या पाया गया। मोलजीन की बताई हुई खसूसियात का हामिल शख्स एक किसान का बेटा मिला। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। बादशाह ने, समन का मतलब बुलाना होता है, फादर एंड मदर ऑफ द बॉय लड़के के माँ बाप। पहले सब्जेक्ट दोबारा से देख लें। अब टू पोजेस है, वाज डिस्कवर्ड है। पैसिव वॉइस में हम मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? लास्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या होगा, अब जरा टू पोजेस द क्वालिटीज मेंशन्ड बाय द डॉक्टर। मेंशन्ड बाय द डॉक्टर क्वालिटी के मीने में इजाफा कर रहा है। तो मोलजीन की बताई हुई खुसूसियात का हामिल शख्स एक किसान का बेटा मिला या पाया गया। डिस्कवर्ड का मतलब फाउंड। बादशाह ने लड़के के माँ बाप को बुलाया। समन का मतलब होता बुलाना, इनवाइट करना, कॉल करना। समन हो तो ये बुलाना वर्ब होता है, समन्स हो तो ये नाउन होता है। इसका मतलब जो कोर्ट की तरफ से इनविटेशन आए किसी को केस अटेंड करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? समन्स कहते हैं। बादशाह ने लड़के के माँ बाप को बुलाया। हूज कंसेंट ही गॉट बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। जिसकी इजाजत उसने, whose consent, जिसकी इजाजत उसने, by giving a huge amount of wealth, काफी सारी दौलत देकर हासिल कर। जिनकी इजाजत, consent से मुराद approval या agreement, huge amount of wealth, काफी सारी दौलत देकर। ये process है by, जब कोई काम जो है हम process के साथ करते हैं के जरिए, तो वहां पे by लगाते हैं। फर्ज करो, he bought this house by earning money. He went there by riding a bus. तो by के साथ हम क्या use करते हैं? Fourth form लगाते हैं as a process इस्तेमाल करने की। तो sir, by और through में क्या difference है? By जो है ना वो हम use करते हैं as a tool इस्तेमाल करते हैं। By हम near के लिए भी इस्तेमाल करते हैं preposition को। Through का मतलब होता है जब किसी process में से गुजर जाएं, किसी जगह में से गुजर जाएं, उसको हम by कहते हैं। और अलबत्ता जो आप, जिसमें आप कंफ्यूज हो रही हैं, वो एज अ टूल भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रोसेस में जो इस्तेमाल होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जिसमें से बंदा गुजरे खुद, उसको हम कहते हैं थ्रू। जिनकी इजाजत उसने उन्हें बहुत बड़ी दौलत या रकम खतीर देकर हासिल कर ली। काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन। काजी ने, सब्जेक्ट, हुक्म जारी कर दिया। डिक्री का मतलब फैसला जारी कर दिया, सादर कर दिया। टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के खून बहाने का। फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत की खातिर। काजी ने, अब लास्ट पे चले जाएं, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत की खातिर। टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के खून बहाने का फैसला जारी कर दिया। बादशाह ने एक शख्स के, बादशाह की, सॉरी, काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर एक शख्स के खून बहाने का फैसला जारी कर दिया। The boy was brought to the altar. सर दोबारा बता दें इसका। क्या होगा? काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर, लास्ट पे चले जाना है, टू शेड ब्लड, ये इन्फिनिटिव है, करने के लिए, एक शख्स के खून बहाने का, बहाने के लिए, बहाने का फैसला जारी कर दिया। इशू डिक्री का मतलब होता है जजमेंट या वर्डिक्ट, डिसीजन जिसको हम कहते हैं। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया। अब ला रहा है कोई, लाया गया पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया, जहां पे कुर्बानी की जाती थी पास्ट में। लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशन वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय। और जलाद को, और क्या होगा? जलाद को एग्जीक्यूशन कहते हैं, किलर को।
जो ऑफिशियली लोगों को कत्ल करता हो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशनर। जलाद को टू स्लॉटर द बॉय, लड़के को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया गया। जलाद को लड़के को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया गया। डायरेक्टेड का मतलब होता है हुक्म देना, ऑर्डर्ड। स्लॉटर का मतलब होता है ज़िबा करना। क्या होगा, लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया और जलाद को उसे ज़िबा करने का हुक्म दे दिया गया। When all was ready, जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई, इसके बाद कॉमा लगाना, जब सारी तैयारी मुकम्मल होगी, the boy looked toward the sky and smiled, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कराया। जब सारी तैयारी मुकम्मल होगी, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कराया। यहाँ पे सवाल है, पहला सवाल है हमारा कि कौन सी रेमेडी तजवीज की डॉक्टरों ने, कौन सी रेमेडी थी, शाबाश, क्या करने के लिए कहा गया, किसका बाइल इस्तेमाल करने का कहा गया, मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पिट्टे की तरह बाइल इस्तेमाल करने का कहा। दूसरा सवाल है कि काजी का रोल क्या होना चाहिए, जनरलाइज क्वेश्चन है, काजी को क्या करना चाहिए बच्चों, काजी यानी चीफ जस्टिस जिसको हम कह सकते, होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेवर नहीं करनी चाहिए किसी की, उसको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे बादशाह हो या कोई और। और लड़के ने आसमान की तरफ देखा और क्यों, क्यों देखा और क्यों मुस्कुराया। दो सेक्शन है इसके हिस्से के, इस सवाल के दो हिस्से हैं, आसमान की तरफ देखना और मुस्कुराना, क्या वजह है जी, क्यों मुस्कुराया और क्यों देखा, देखा क्यों, पहला भी बताएं। जाहिर है अल्लाह से क्या कर रहा है, बेबस हो गया तो अल्लाह से क्या मांग रहा है, दुआ मांग रहा है, अल्लाह से पनाह मांग रहा है बादशाह के जुल्म सितम के खिलाफ। और दूसरा, मुस्कुराया किस पे, अपनी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे या अपने वालदैन की, क्या होगा, सेल्फिशनेस पे, कि वाह जी वाह, वालदैन तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कि वालदैन क्या राजी हो गए हैं, खून बहाने के लिए राजी हो गए। तो इस तरह से वो तंजिया तौर पर मुस्कुराते, इसको हम आयरानिकली कहते हैं, आयरानिकली मुस्कुराए। जी बच्चों, अब जरा देखना है जी, कौन सा सेंटेंस आपने ठीक करना है, कम ऑन, यू कैन पार्टिसिपेट नाउ। क्योंकि ये होने का मीनिंग दे रहा है तो आपने बीन नहीं लगाना, शाबाश। वर्ड नहीं आएगा, वाद नहीं आएगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा, मींस ऑफ इनकम। आवाज नहीं आएगा, क्या होगा, एग्रीड हो जाएगा, शाबाश। यूज नंबर नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट होगा, नंबर नहीं होगा, शाबाश। और उसके बाद क्या है, तो क्या होगा, टू क्रॉस आएगा, जब हमने पैसे में, और समन्स होगा, नॉन के तौर पे इस्तेमाल करना, समन्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, Now switch on your mic. Switch off your mics. Let's see the again. यहाँ पे practice है. ये मैंने अभी बता दिया सभी को क्या होगा जब आपने इसको इस्तेमाल करना है. The higher you go, the cooler it is. The more, the faster, the earlier, the less, or the less हो जाएगा यहाँ पे भी. ठीक है. Remedy suggested क्या थी? कौन करेगा जी इसे? Only one person will do it. जी, जैनम नसीर, दोहा मुस्तफा, दी रेमेडी वाज सजेस्टेड टू यूज द बाइल ऑफ अ पर्सन हैविंग सर्टेन क्वालिटीज ही इंटीमेटेड टू क्योर विदाउट द ट्रीटमेंट।
जी और कौन करेगा जी? एनीवन? सर मैं करूं? जी जोया। The remedy suggested by the physicians was to use the bile of a person having certain cause. ठीक है। He intimated the father, a former son was intimated to cure without a treatment. नहीं, किसने intimate किया? Intimate ये suggest भी कौन कर रहा है? क्या होगा? Physician कर रहे हैं। तो क्या होगा? दे इंटीमेटेड दैट द डिजीज कुडंट बी क्योर्ड विदाउट ट्रीटमेंट, इस इलाज के सिवाय इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। तो ये द रेमेडी सजेस्टेड वाज टू यूज ऐसे भी लिख सकते हैं, या द फिजिशियन सजेस्टेड दैट द किंग शुड यूज द बाइल ऑफ अ पर्सन। सजेस्टेड के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड के बाद जो है ना वो टू इस्तेमाल कम करते हैं। ये एक्चुअली जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या होगा? द फिजिशियन सजेस्टेड दैट द किंग शुड यूज द बाइल ऑफ अ पर्सन और दे इंटीमेटेड हिम दैट द डिजीज कुडंट बी क्योर्ड विदाउट द ट्रीटमेंट। रोल ऑफ अ काजी क्या होना चाहिए? जी आमना खालिद, फिजा परवेज। यस सर, अब ये जनरलाइज रोल है तो ये दा काजी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आ काजी लिखना है। और चूंकि ये उसका जनरलाइज रोल है तो क्या होगा, किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो वहां पे क्या होगा? द रोल ऑफ अ काजी इज वेरी, ही शुड बी इम्पार्शियल, ही शुड नॉट फेवर एनीवन, ही शुड इंश्योर जस्टिस। तो ये सारी की सारी क्या है? सजेशंस हैं। तो वहां पे क्या लगाना, हमने क्या यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। मीन जो है जरिया, मीन का मतलब होता है और मीन का मतलब जरिया होता है, सिंगल और प्लूरल में दोनों में सेम लगाना है। फाउल जो है ना परिंदे को कहते हैं, फाउल का मतलब मुर्गियां भी होता है। फाउल से मुराद बैड यूज, बैड जो ना वो लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। समन वर्ब है बुलाना और समन्स नाउन है, इसका मतलब बुलावा। ऑल्टर तब्दील करना है, ये वर्ब है, और ऑल्टर कुर्बानगाह को कहते हैं जहां पे चीजें कुर्बान की जाती हैं, जैसे पुराने जमाने में इबादत गाहों में ऑल्टर्स बने होते थे। रिफ्यूज का मतलब प्रोटेक्शन होता है, हिफाजत, और रिफ्यूज का मतलब कूड़ा करकट होता है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है, ये नाउन है, और कंप्लेन जो है ना ये वर्ब होता है। वीक जो है ना हफ्ता होता है, और वीक का मतलब कमजोर होता है। दिस वाज दिस क्या होगा पेज, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। जी क्यों देखा जी लड़के ने आसमान की तरफ और क्यों मुस्कराया? जी हु विल डू रेज योर हैंड्स? जी फातिमा नईम। The boy looked towards sky to seek refuge of Allah. He prayed to God against the brutality of king. He smiled ironically at the selfishness of his parents. He agreed his parents had agreed to shed his blood. शाबाश, very good. अब लुक जो है वो देखने वाला मौजूद है, लुक्ड होगा। He prayed, प्रे करने वाला मौजूद है, स्माइल करने वाला मौजूद है। तो ये सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और एग्री पेरेंट्स हो गए या उस वक्त हुए, क्या होगा? हो गए थे उससे पहले, जिस पे वो स्माइल कर रहा है तो हु हैड एग्रीड होगा। शाबाश जी। नेक्स्ट जी आपने बताना है जिस सेंटेंस जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं उसके रिलेटेड जो है आपका क्या होगा, रॉन्ग यूज जो आमतौर पर बच्चे करते हैं उनमें से है। शाबाश, पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? काजी होगा। शाबाश, इस्तेमाल होगा। शाबाश, might not be cured.
बी आएगा, ही शुड बी हो जाएगा, नहीं आएगा के बाद क्या नहीं लगाना, टू नहीं इस्तेमाल करना, बेयर इन्फिनिटिव लगाना यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। विदाउट कंसीडरिंग होगा, विदाउट के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लुक करेगा, टू सीक, रिफ्यूज ऑफ, टू सीक होगा, यहाँ पे रीजन है, आसमान की तरफ देखा, उसकी रीजन क्या है, टू सीक है। Ironically हो जाएगा क्योंकि स्माइल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जी, आगे देखिएगा। Why do you laugh in such a position? आप इस तरह की सूरत हाल में क्यों हंसते हो, आप इस तरह की सूरत हाल में क्यों हंसते हो जी। द किंग आस्क, बादशाह ने पूछा, बादशाह ने पूछा आप इस तरह की सूरत हाल में क्यों हंसते हो। अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, सेड द बॉय, लड़के ने कहा एक बेटा अपने वालिदैन की मोहब्बत को देखता है, हिज पेरेंट्स, अफेक्शन का मतलब मोहब्बत। अभी क्या सही कह रहा है या तंजिया तौर पे कह रहा है, तो आप कहेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, वहां पे कहेंगे कि लड़के ने तंजिया तंजन कहा एक लड़का अपने वालिदैन की मोहब्बत को देखता है। इफ दे फेल, अगर वो इंसाफ के हसूल में नाकाम हो जाते हैं, इंसाफ के हसूल में ब्रैकेट में लिखना है, अगर वो इंसाफ के हसूल में नाकाम हो जाते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस, को तवक्को है कि वो मामला काजी के सामने ले आएंगे, टू सीक जस्टिस, इंसाफ हासिल करने के लिए, सीक का मतलब गेट, अगर वो नाकाम होते हैं, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना वो, अब लास्ट पे चले जाएं, सीक जस्टिस, इंसाफ हासिल करने के लिए, क्या अगर टू ब्रिंग द केस बिफोर काजी, काजी के सामने मामला लाएंगे या मामला लाने की तवक्को की जाती है, क्या होगा अगर वो नाकाम होते हैं यानी हसूल इंसाफ में नाकाम होते हैं, तो उनसे क्या होगा इंसाफ के हसूल के लिए काजी के सामने मामला पेश करने की तवक्को की जाती है। नहीं समझ आई, यानी उसके वालदेन अगर कहीं इंसाफ ना मिले तो किसके पास जाएंगे, काजी के पास जाएंगे, तो लेकिन कहता है मेरे सूरत हाल में तो काजी भी वो एग्री है और माँ बाप भी एग्री हो गए, बट इन माई प्रेजेंट केस, लेकिन मेरे मामले में क्या होगा, द पेरेंट्स हैव एग्रीड, वालदेन रजामंद हो गए टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहाने के लिए, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के इस कूड़ा करकट यानी मालो दौलत के लिए, कूड़ा करकट ट्रैश मतलब रबिश, रिफ्यूज कूड़ा करकट वेस्टेज, यहाँ में मुराद क्या होगा मतलब मालो दौलत, लेकिन मेरी सूरत हाल में या मेरे मामले में वालिदैन सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना है, लास्ट पे क्या होगा, क्या होगा, लेकिन मेरी सूरत हाल में या मेरे मामले में क्या वालिदैन, अब लास्ट पे चले जाएं, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के इस कूड़ा करकट के लिए, टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहाने के लिए, हैव एग्रीड, रजामंद हो गए, लेकिन मेरे मामले में दुनिया के इस कूड़ा करकट या मालो दौलत के लिए क्या होगा, मेरे वालदैन दुनिया के इस कूड़ा करकट या मालो दौलत के लिए मेरा खून बहाने के लिए रजामंद हो गए, टू गेट माई ब्लड शेड, गेट के बाद क्या यूज किया, शेड का इस्तेमाल किया, शेड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, क्या होगा थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे शेड की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, तो जब भी हमने इस्तेमाल करना होता है क्या होगा, जब हमने पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, जब ब्लड शेड कर रहा है या शेड हो रहा है, शेड हो रहा है, तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, जब ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें पॉजिटिव वर्ब का, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें जी। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने फैसला जारी कर दिया टू किल मी, मुझे मारने का, तो लास्ट से वापस आएंगे, टू किल मी, काजी ने मुझे कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया है, काजी ने मुझे मारने का फैसला जारी कर दिया। द किंग थिंक्स, बादशाह ये समझता है, ही विल रिकवर हिज हेल्थ, वो सेहत याब हो जाएगा, एक क्लॉज थिंक्स तक है, दूसरी क्लॉज ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लैंग, बादशाह ये समझता है कि मुझे जिबा करके ही सेहत याब होगा, बादशाह ये समझता है कि वो मुझे जिबा करके ही सेहतयाब होगा,
थ्रू स्लेइंग, स्लेइंग का मतलब कत्ल करना, ज़बह करना। बादशाह समझता है एक क्लॉज होगी, वो सब्जेक्ट का तर्जमा कर दिया, वो थ्रू ओनली थ्रू माई स्लेइंग, सिर्फ मुझे ज़बह करके ही रिकवर हिज हेल्थ, सेहत याब होगा। एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड अल्लाह, और मुझे अल्लाह के सिवा कोई पनागा नजर नहीं आती। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज पनागा भी होता है, रिफ्यूज शेल्टर भी कहते हैं। मुझे अल्लाह के सिवा कोई पनागा नजर नहीं आती। टू होम शैल आई कंप्लेन, मैं किसे शिकायत करूं? अगेंस्ट योर ब्रुटैलिटी, तुम्हारे जुल्म और सितम के खिलाफ। कंप्लेन शिकायत क्या ना, ब्रुटैलिटी मीन जुल्म और सितम, अट्रोसिटी ऑपरेशन जुल्म और सितम। तो तुम्हारे जुल्म और सितम के खिलाफ मैं किसे शिकायत करूं? इफ आई एम टू सीक जस्टिस, अगर मुझे इंसाफ लेना हो, फ्रॉम योर हैंड, तुम्हारे हाथ से। तो पहले इफ क्लॉज का तर्जमा करते हैं, इफ से पहले कॉमा नहीं लगाना। अगर मुझे तुम्हारे हाथों से इंसाफ हासिल करना हो, अगर मुझे तुम्हारे हाथ से इंसाफ हासिल करना हो, तो मैं तुम्हारे जुल्म और सितम के खिलाफ किसे शिकायत करूं? ये कंप्लेन जो है वर्ब होता है, कंप्लेंट नाउन होता है। ये अक्सर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, मैंने कंप्लेन कर दी है, वो कंप्लेन कर दी नहीं होगी, कंप्लेंट कर दी है, यानी शिकायत। तो तुम्हारे जुल्म और सितम, अगर मैंने तुम्हारे हाथों से इंसाफ लेना हो, तो मैं तुम्हारे जुल्म और सितम के खिलाफ किसे शिकायत करूं? द किंग फेल डिस्टर्ब। अब जरा देखे जी, अब समझ आ गई इसको, क्यों देखा था उसने और क्यों मुस्कुराया था लड़का, क्यों मुस्कुराया? अपने वालदेन की, अपने वालदेन सेल्फिशनेस पे, और अल्लाह ऊपर क्यों देखा? अल्लाह से पनाह मांगने के लिए। द किंग फेल डिस्टर्ब, बादशाह परेशान हो गया। फेल्ड के बाद हमने क्या है, टू बी वर्ब एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, होने का मीनिंग दे रहा है। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, और इन अल्फाज को सुनकर, ही कुडंट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं पे काबू ना रख सका। बादशाह परेशान हो गया और इन अल्फाज को सुनकर वो अपने आंसुओं पे काबू ना रख सका। एंड सेड, और कहा, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय। इट इज बेटर फॉर मी, मेरे लिए बेहतर है टू डाई, कि मैं मर जाऊं, देन टू शेड द ब्लड, बजाय खून बहाने के ऑफ एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के का। तो एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बादशाह ने कहा कि एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, देन टू ब्लड द शेड। आप देखें यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, कौन सा इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? देन का इस्तेमाल हुआ। तो देन के बाद जो स्ट्रक्चर पहले होगा, उसी को हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। यानी देन के साथ हम क्या यूज करते हैं, जैसे बेटर फॉर मी टू डाई है और देन टू शेड है। यानी टू डाई और टू शेड आपस में कोऑर्डिनेटेड है। जब भी हम देन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम जो इन्फिनिटिव पहले होगा, वही इन्फिनिटिव बाद में। अगर पहले जेरंड है, आगे भी जेरंड, अगर पहले क्या होगा फ्रेज, आगे भी फ्रेज, पहले क्लॉज है, आगे भी क्लॉज, यानी उस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं देन के बाद। पहले एडजेक्टिव है, आगे भी एडजेक्टिव, सिमिलर पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद। ही किस्ड द हेड एंड आईज ऑफ द बॉय, उसने लड़के के सर को और आंखों को चूमा। एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे काफी सारी दौलत अता की, या प्रेजेंटेड पेश की, और उसे काफी सारी दौलत अता की। इट इज सेड दैट, कहा जाता है, किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहत याब हो गया। रिकवर्ड का मतलब क्या होगा? सेहत याब होना। कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहत याब हो गया, रिकवर मतलब सेहत याब। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या बादशाह कैसे सेहत याब हुआ? तो बादशाह कैसे सेहत याब हुआ? अल्लाह ताला के फजल करम से, क्योंकि उसने रहम खाया और लड़के पे। और बादशाह क्यों रोया, ये दूसरा सवाल है। जब उसने अपना जुल्म और सितम क्या होगा याद किया, तो वो रोया। चलें जी, बताइएगा जरा। He agreed to get my books sell in the bazaar. Sold हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे causative verb क्या है, get है, और book sell होती है, sell करती नहीं है, तो sold आ जाएगा। शाबाश। It is two seat title. शाबाश। Asking होगा, rather asking होगा, पीछे gerund है, तो आगे भी क्या होगा, gerund इस्तेमाल करेंगे। Come on. Hearing these words. आप hear सुने गए हैं अल्फाज, या वो सुन रहा है? सुन रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, he couldn't control। उसके बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट? Been, I am to explore. I am to
Yaga, explore the new world. Explore I have exploring. Ji. She needs advice. आप एडवाइस करना है या एडवाइस किया जाना है? एडवाइस किया जाना है. करना है. नहीं, करना कौन, किसको करना है? Yes. किया जाना है. किया जाना है तो क्या होगा? टू बी एडवाइस. क्या हो जाएगा? टू बी एडवाइस. क्योंकि अगर करना होता तो हमें ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ना था. ऑब्जेक्ट कौन सा था? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कोई? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ ये लिखा जाए कि he needs advice in this regard, यानी कि उसे इस मसले में जरूरत, नसीहत की जरूरत है. तो यहाँ पे वो एडवाइस ऐसे वाला लगाएंगे, सी वाला इस्तेमाल कर. ठीक है जी, शाबाश. चलें जी, कौन सा वाला? सेकंड लास्ट लाइन. ट्रांसलेशन वाला बेटा. I am to explore. अब यहाँ पे वही बात जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ. अगर एडवाइस कर रहा है, एडवाइस कर रहा है तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अब यहाँ पे एक्सप्लोर किसको कर रहा है? न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का. इसका मतलब है यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में होगा या पैसिव फॉर्म में होगा? एक्टिव फॉर्म में होगा तो फिर क्या होगा? डू एक्सप्लोर हो जाएगा. और जहां पे आपको ही जो है वो एडवाइस हो रहा है तो फिर वो पैसिव फॉर्म में होगा, टू बी एडवाइस हो जाएगा. डन? क्लियर है बच्चों? ओके, चलें जी. नाउ हु विल डू इट क्विकली? चले मैं कर रहा हूँ, जरा टाइम थोड़ा है, ओनली वन मिनट इज रिमेनिंग. मैं सारा कुछ मैं कर रहा हूँ. क्या होगा? लुक्ड टुवर्ड द स्काई. किसने देखा? क्या होगा? द बॉय लुक्ड टुवर्ड द स्काई, ही प्रेड टू गॉड, ही स्माइल्ड इरोनिकली, हु हैड एग्रीड. ये तो पहले के कर लिया हमने. बादशाह क्यों रोया? द किंग वेप्ट, क्योंकि रोने वाला मौजूद है तो सेकेंड फॉर्म है रेप्ट. वेन ही रिमेम्बर्ड होगा, और ashamed adjective है तो क्या होगा? Information है तो he was ashamed होगा. उसके बाद the king wept bitterly when he remembered हो जाएगा. Ashamed अकेला नहीं लगाएंगे, he was ashamed. और king recovered क्या होगा? In a week after taking a pity on the boy होगा, specific लड़का है. Because God mighty might like his and remorse, might have liked होगा. उस अल्लाह ने रहम कर लिया था तो ये इसमें होगा, परफेक्ट में होगा. और एंड ब्लेस्ड हिम विद साउंड हेल्थ विदाउट एनी मेडिसिन. विदाउट के साथ हम क्या लगाते हैं? एनी का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है जी